CNN News brought to you by Smart, विवाह शादी की खरीदारी के लिए हिमाचल का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान। आज ही पधारिए Smart, देवभूमि प्लाजा, राजगढ़ रोड, सोलन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दो दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आयोजन बेंगलुरु में 19-20 मार्च को हुआ, जिसमें दो प्रस्ताव पारित किए गए। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण के फैसले को संघ ने भारत की अंतर्निहित शक्ति का प्रकटीकरण करार दिया है और कोरोना महामारी से निपटने में भी केंद्र सरकार ने बेहतरीन भूमिका निभाई है। शिमला में पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघ चालक प्रोफेसर वीर सिंह रांगणा ने बताया कि संघ की दो बैठकें महत्वपूर्ण रहती हैं। बैठक में संघ के चल रहे कार्य को लेकर भी सभा में चर्चा हुई और 70% काम इस वर्ष शाखाओं की दृष्टि से बड़ा है। राम मंदिर निर्माण से देश में सौहार्दपूर्वक माहौल बना है और कोरोना महामारी से निपटने में सरकार ने सराहनीय काम किया है, जिसके लिए संघ ने यह दो प्रस्ताव पारित किए हैं और संघ की आगामी कार्य की रूपरेखा भी बैठक में तैयार की गई है। डॉक्टर वीर सिंह रांगड़ा, हिमाचल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं प्रांत संघ चालक, इस प्रकार का मेरा दायित्व। इस प्रकार की पत्रकार वार्ता वर्ष में दो बार तो निश्चित रूप से होती ही है। दो बैठकें बड़ी महत्वपूर्ण रहती हैं संघ की, एक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, एक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक होती है। ये दो बैठकें अपरिहार्य हैं, जिसमें पूरे देश को, समाज को जानकारी जानी चाहिए। तो अभी हमारी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा हुई बेंगलुरु में, उसको लेकर ये पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। और संघ का ये चुनावी वर्ष भी था, तो हमारे जो सर कार्यवाह हैं, परम पूजनीय सरसंघ चालक के बाद जो दूसरा सर्वोच्च दायित्व रहता है वो सर कार्यवाह का रहता है, तो उनका भी वो चुनाव था। और उस चुनाव में हम सब जानकारी में आया होगा कि श्रीमान दत्तात्रेय होसवाले जी इस बार संघ के सर कार्यवाह निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले वो अभी हाल ही तक वो सह सर कार्यवाह का दायित्व निर्वहन कर रहे थे 2009 से लेकर 2021 तक। वहाँ पर साथ में प्रस्ताव भी पारित हुए। एक प्रस्ताव राम मंदिर को लेकर है, जो 5 अगस्त 2020 को सर्वोच्च न्यायालय की जो 5 जजों की जो खंडपीठ थी, उन्होंने जो मंदिर निर्माण के लिए जो निर्देश दिया था, जो वर्डिक्ट रीड थी, उसके कारण से जो देश में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा है, एक एकात्मता को वो प्रतिबिंबित करता है जो वातावरण रहा है, उसकी खुशी में संघ ने एक प्रस्ताव पारित किया है श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण, उसको भारत की अंतर्निहित शक्ति का प्रकटीकरण संघ मानता है। और दूसरा, ये जो कोरोना वायरस डिजीज के कारण, COVID-19 के कारण से जो पूरी दुनिया में जो हाहाकार मची थी और हमारे देश ने जिस कुशलता के साथ, जो मैत्री भाव से इस समस्या को हल किया है, इतनी बड़ी जनसंख्या का हमारा देश है, लगभग 135 करोड़ की जनसंख्या का हमारा देश है, वहाँ पर ये जो कोरोना वायरस डिजीज को, कोविड को जिस प्रकार से हमने हैंडल किया है, उसके लिए भी एक प्रस्ताव पारित किया, कोविड महामारी के सम्मुख खड़ा एकजुट भारत, ये दूसरा प्रस्ताव। तो श्री राम मंदिर के लेकर और COVID-19 को लेकर ये दो प्रस्ताव वहाँ पारित हुए। और संघ का जो काम कैसा चल रहा है उसके बारे में भी वहाँ पर विस्तृत चर्चा हुई। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि गत वर्ष की तुलना में लगभग 70% संघ का कार्य देश में बढ़ा है, शाखाओं की दृष्टि से। हिमाचल में भी लगभग वैसा ही है, लगभग 70% कार्य संघ का बढ़ा है, ये कोरोना काल के बाद की बात बता रहा हूँ, गत वर्ष आज की तुलना में। तो जो वर्तमान में संघ की शाखाएं हैं, कुल जो स्थान हैं संघ के, वो 55,652 स्थानों पर 62,491 शाखाएं देश में चलती हैं इसमें। और जो साप्ताहिक मिलन हैं वो 18,553 स्थानों पर 20,303 साप्ताहिक मिलन चलते हैं, जो सप्ताह में एक बार शाखा जैसा स्वरूप होता है। और 7,655 स्थानों पर संघ मंडली जो है वो 8,732 स्थानों पर चलती है, ये अखिल भारतीय स्वरूप है। और हिमाचल में भी
अगर संघ का स्वरूप देखना हो गत वर्ष की तुलना में हमारा काम बढ़ा है। जो आजकल के दिनों में संघ की स्थिति थी ना, संघ कार्य की, उसकी तुलना में आजकल के दिनों में संघ का काम काफ़ी अच्छा बढ़ा है। तो अभी हमारी जो 548 स्थानों पर वर्तमान में 730 शाखाएं संघ की चलती हैं, प्रत्यक्ष जो मैदानों में चलती हैं, ग्राउंड्स में चलती हैं, घरों से बाहर चलती हैं। और जो मिलन हैं और मंडली हैं वो अलग हैं। मिलन जो हैं वो 152 हैं, 192 हैं, और संघ मंडली जो है वो 158 हैं। तो ये इस प्रतिनिधि सभा में इस प्रकार की जानकारी देने के लिए हम सब एकत्र आए थे। अब छोड़ दें सोलन में बच्चों के शॉपिंग की चिंता। आपके शहर सोलन में आ गया है बच्चों की शॉपिंग का सबसे बड़ा शोरूम firstcry.com। आज ही विजिट करें फर्स्ट फ्लोर श्री श्याम कॉम्प्लेक्स अबव रेमंड शोरूम नियर अमर होटल द माल सोलन।